खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने नर्सिंग मामले को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिस प्रकार से मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन मामलों में कांग्रेस की स्वयं संलिप्तता रही है। नर्सिंग घोटाला भी कांग्रेस की देन है। कमलनाथ सरकार में बिना निरीक्षण अवलोकन की नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई है। घोटाले करना ही कांग्रेस का चाल और चरित्र रहा है। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि 1 जुलाई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने और धरना प्रदर्शित करने की बात कही है। विधानसभा का सत्र भी 1 जुलाई से शुरू होने वाला है और कांग्रेस विरोध करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी में ज्ञान का अभाव है और वह अज्ञानी है। वह तथ्यों को सोचते समझते नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार में जीतू पटवारी उच्च शिक्षा और विजयलक्ष्मी साधु चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी। कमलनाथ सरकार में नर्सिंग घोटाला हुआ और स्वयं कमलनाथ भी कटघरे में है। जीतू पटवारी एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी जिस प्रकार से मुद्दों को मामलों को उठा करके और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, नरसिंह घोटाले में भी कुछ इसी प्रकार की चीजें सामने आ रही है। 1 जुलाई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री पटवारी जी ने और नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बैनर पर आंदोलन करने की, धरना देने की, प्रदर्शन करने की बात कही है। 1 जुलाई से विधानसभा का सत्र भी आहूत है और सत्र के दौरान भी वे तरह तरह की बातें कर रहे हैं उमंग सिंघार जी, नेता प्रतिपक्ष जी। मुझे लगता है कि या तो जीतू पटवारी जी में थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है, वे अज्ञानी हैं, या वे तथ्यों को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। उन्हें के सरकार के कालखंड में जब कमलनाथ जी 15-17 महीने में मुख्यमंत्री थे तब उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी जी थे और तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुश्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो थी। जो तथ्य सामने आए हैं, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसके अंतर्गत नर्सिंग घोटाले के कटघरे में स्वयं कमलनाथ जी भी हैं और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं। अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री को भी कटघरे में खड़े करने की वे कोशिश कर रहे हैं। और जानकारी यही है कि विधायक विजयलक्ष्मी साधु जी ने 455 में से 407 कॉलेजों को बिना निरीक्षण के मान्यता देते हुए उनके उस दौर में, उस कालखंड में 453 कॉलेजों को मान्यता प्रदान की है। अब तब जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब उन 15-17 महीनों में कोरोना की तरफ उनका ध्यान नहीं था। कोरोना बीमारी ने आगाज कर दिया था तब उनका ध्यान आईफा की तरफ था, फिल्मी कलाकारों को लाने की तरफ उनका ध्यान था। फिर किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की बात करने के प्रति उनका ध्यान नहीं था, किसान डिफॉल्टर हो गए। और उसी दौर में वो नर्सिंग कॉलेजों की इतनी बड़ी संख्या में बगैर अवलोकन, बिना निरीक्षण, बिना प्रक्रिया का पालन किए अनुमतियां प्राप्त कर रहे थे, दे रहे थे। अब सवाल ये भी उठता है कि कल जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी जो आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस को जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का यह आंदोलन उनके नेता कमलनाथ जी के खिलाफ भी होगा, सुश्री विजयलक्ष्मी साधो के खिलाफ भी होगा? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार के समय में विजयलक्ष्मी साधो जी ने 453 कॉलेजों को मान्यता दी मात्र 15-17 महीने में। तो कल के आंदोलन में भी कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी ने अपने नेता को इस घटनाक्रम से जोड़ते हुए उनको भी कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.